में हो और आपके साथ टॉप की हीरोइन है और उधर लिफ्ट में वातावरण दूषित हो गया है और आपको पता है कि मैं नहीं हूँ और उस हीरोइन को भी पता कि मैं हूँ, तो क्या उस हीरोइन को आप अगली फिल्म में कास्ट करेंगे पदौड़ी को? में रिलीज हुई दो फिल्मों के नाम बताओ। आपकी छठी फिल्म कौन सी थी? जागृति। आप हार चुके हैं। चिंटू को पछाड़ दे। चिंटू चिंटू कर रही थी, अब सुल्तान सुल्तान। हाँ आए बड़े, एक मिनट सर, मैं अपने फ्रेंड्स को, ए पिंकी चल ना निकल यहाँ से। पिंकी की अच्छा कर रही है रितु, कमाल करती ए गुंजिता, ए शिखा और अनुषा कड़क है तू। हाँ चल निकल, जोर जोर तालियां। कैसे सर?
वेलकम टू कॉमेडी नाइट लाइव। आइए सर। सर आप आए हैं तो आज हमने महंगी ऑडियंस बुलाई है, वो देखिए पूजा कश्मीरा ये सब 1500-1500 रुपए ताली हो जाती हैं, अपना समोसा खाती हैं, निकल जाती हैं। 500 करोड़ का बंदा सलमान खान 150 रुपए के लंगोट में मिट्टी में कैसे गुत्थम गुत्थी हो रहे थे। कौन कहता है कि हीरो लोग को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, जोरदार तालियां। सर जब पहली बार आप कैमरे के सामने आए थे लंगोट पहन के, थोड़ी सी शर्म आई थी कि ऐसा थोड़ा हाथ वाथ रखा था ऐसा, थोड़ा फूलदान के पीछे रहे या पहलवान के पीछे, तो सीधा ऐसे चल के आ गए थे, थोड़ी शर्म आई थी सर, मतलब बहुत शर्म आई थी। 1.5 घंटे लगे थे हाथ यहाँ से निकालने के लिए। यूं बैठा था मैं, यूं बैठा था, और इसमें ऐसा लग रहा था मैं कुछ भी नहीं पहना हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे बैठा हूँ, किसी को लगा नहीं, लोग ये ना सोच ले पीके पार्ट 2 बन रही है। लेकिन सर जब शूटिंग के बाद ऐसा कुश्ती वुश्ती के बाद अपने रूम में आते थे तो रेत रेत निकलती थी जगह जगह से, होता था काफी काफी करीबन 1.5-2 किलो रेत निकलती थी। इतनी रेत कहाँ घुसती थी सर? क्या हो जाता है, इधर उधर से निकल जाती है रेत। लेकिन सर आप वाकई दूसरों की बड़ी हेल्प करते हैं। लंगोट जो आज तक कभी ऑन स्क्रीन नहीं आया सर, उस बेचारे को आपने ऑन स्क्रीन ला दिया, उसकी लाइफ बना दी सर, क्या बात है। अभी देखना सर आने वाले दिनों में, देखना लोगों ने सूट के ऊपर लंगोट पहना होगा, इतना हिट हो जाएगा ना, नया स्टाइल होने वाला है। लड़कियां साड़ी के ऊपर देखना, ओ नाइस लंगोट, रेड लंगोट, कोई झालर वाला लंगोट, झालर वाला लंगोट। सर कट होता था तो थोड़ा घूमते रहते थे ऐसे ही के तुरंत वो रोप आ जाता था, एक चद्दर आ जाता था। तो ऐसे सर रेत रूत होती खुजली खाली होती थी, ऐसे कर देते थे पब्लिक प्लेस में के एक मिनट ब्रेक ऐसे खुजा के आते थे। बुझाया था सर? बुझाया नहीं था, झटका था काफी बार। हाँ ऐसे ऐसे करके, हाँ थोड़ा थोड़ा सही है, यूं करके फिर। सर हमको पूरा यकीन है कि सुल्तान सुपरहिट है, क्योंकि आपने जो पहली फिल्में की हैं, एक में शर्ट उतारी ओए होए सुपरहिट, दूसरे में शर्ट उतारी वो उससे ज्यादा सुपरहिट, इसमें तो सर पैंट ही उतार दी, ये तो सुपर सुपर हिट जाने वाली है। वैसे सर कभी आपने ऐसा सोचा कि मतलब ऐसा कोई बात कर रहे हो, बच्चे शोर मचा रहे हो, बच्चा कुछ पूछ ले तो आप गुस्से में आके बच्चे को मारते नहीं, हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों को मारना, बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है। चलो भाई आज सलमान खान से फिर टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो मार ही नहीं सकते, इन्होंने कहा बच्चा भगवान का रूप होता है। हाँ बस तैयार हो? चलिए सर पहला सवाल, सलमान खान किस चीज से डरता है? सलमान खान इन सब चीजों से बहुत डरता है। किन सब चीजों से सर? इन सब चीजों से। सर आपने मुझे चीज कहा। हाँ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आपको गुदगुदी होती सर? सच्ची में आपको सर गुदगुदी होती है? बहुत होती है। एक मिनट। चलिए सर दूसरा सवाल जी, ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में बंदा है जो एक फोन करे तो आप सारा काम छोड़ के उसके पास चले जाओगे? बंदी है। कौन सा? एक है अभी। है। ऐसे ना करो सर, आंटी बैठे खुश हो जाएंगी, उनकी तरफ जाना चाहिए। इस वक्त मौजूद है यहाँ पर? मैं बैठी हूँ ऑडियंस में। कश्मीरा शाह के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा तो बच गया सर, आपने कश्मीरा को बोल दिया आपकी वाट है अभी।
आपने बहुत सारे एक्टरों के पेट में लात मारी, इतनी हिट फिल्में देखे, अभी आप गाने गा रहे हैं तो सिंगरों के पेट में भी लात मार रहे हैं। सर आप वैसे आपको शौक चढ़ा है पिछले साल से गाना गाने का कि ये जो फिल्में बनाते ये बोलते भाई ये गाना गा दो ना हिट हो जाएगा भाई प्लीज भाई। यही है, यही है। ऐसे बोलते हैं ना? ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये गाना गा दो। सर वो सच बोलते हैं यार, हिट हो भी जाता है। जैसे ये लोग कहते हैं भाई गा दो ना गाना हिट हो जाएगा भाई गा दो ना भाई गा दो ना। सीधे सीधे सवाल, कभी ऐसा हुआ कि आप नहा रहे झाग वाग सब किया? यह सवाल मैं बता दूं, मैंने शाहरुख सर से भी पूछा था कॉमेडी शो में, उन्होंने कहा था सलमान आएगा तो जरूर पूछना, तो आपकी दोस्त की फरमाइश है, कभी ऐसा हुआ सर आप नहा रहे झागो झाग किया पूरा इधर से उधर घुमा रहे और आपने टर्न किया और शीशे में अपने आप को देखा, मुंह से निकला हाय नंगा सलमान? हुआ सर कभी ऐसा? हाँ सर। लगता काफी बार हुआ। चलिए आगे करते हैं। सर आप बहुत, जैसे सब लोग बहुत बिजी होते हैं, हम गलती में जल्दी जल्दबाजी में घड़ी भूल जाते हैं घर, पर्स भूल जाते हैं, टाई भूल जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप वॉशरूम गए हो फ्लश करना भूल गए हो? ये मेरे माइंड में हमेशा से ये थॉट रहता है, एक ये एक डर रहता है, तो मैं हमेशा बार बार चेक करता हूँ। पक्का ना सर? ठीक है, चलिए अगला सवाल सर। इधर वैन चेक करके आया, दो मिनट दो मुझे। मैंने देख लिया क्लीन था सर। चलिए सर अगला सवाल, कभी आप लिफ्ट में हो और आपके साथ टॉप की हीरोइन है, आप जा रहे हो ऊपर 18वें माले पे मीटिंग है और पूरी बातें हो रही है यू नो सलमान यू नो ऐसे करके, और तुरंत आपको लगा कि अभी 5वें माले पे पहुंचे हो और उधर लिफ्ट में वातावरण दूषित हो गया है और आपको पता है कि मैं नहीं हूँ और उस हीरोइन को भी पता कि मैं हूँ, तो क्या उस हीरोइन को आप अगली फिल्म में कास्ट करेंगे पदौड़ी को? सॉरी सर, हो जाता है, नेचुरल थिंग्स है यार। हुआ सर कभी ऐसा और टॉप की हीरोइन ने अच्छे अच्छे गाने किए, मतलब महंगी हीरोइन, और आपको लगा यही है? मैं तो हूं नहीं। चलिए हमारी हीरोइना के लिए जोरदार तालियां। कौन सी वाली याद आई सर? कभी ऐसा हुआ? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं सर, सब करते हैं सर, ये होता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई बड़ी मीटिंग में आप बैठे उठते वक्त गड़न ऐसा हुआ कभी? एक्सक्यूज मी, तो आपने उसमें ही ले लिया अपने उसे टेबल टूबल बजाने में?
पता है ना सर, होता है, मेरा बहुत होता है। वैसे एक बार ना मैंने 2-in-1 किया था, आपको पता, मेरे को कोल्ड हुआ था और मेरा पेट भी खराब था, मैंने ऐसे छीका, मैं इंच प्रेशर पड़ा तो नीचे, क्या होता है सबका, ऐसा हो गया था सर। बट वो गाने का मैंने म्यूजिक तेज कर दिया, फिर उसमें मिक्स हो गया। तो चलिए एक बार सलमान सर के लिए जोरदार तालियां। अरे दरियाई गेंडा, ओह माय गॉड, अरे वाह क्या बात है, सलमान भाई का मास्क पहन के सब लोग बैठे, जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। इतने हैंडसम आदमी का मास्क पहना है, उतारेंगे अंदर से कीड़े मकोड़े निकलेंगे। इनको देखिए आप, जरा भाई साहब उतारेंगे, खड़े हो जाइए, क्या बात है, इसको जरा गौर से देखिए, स्पाइक कट हेयर सुना होगा, स्पाइक कट खोपड़ा देखा है कभी? ऐसा नहीं लग रहा जैसे सर में से घुटना बाहर आ रहा है। मैं बोला था ये डर जाएंगे इनको देख के, काय को बिठाए। आइए आइए सर, आइए सर, आपका नाम क्या है? विराट। नाम विराट है, एक वो विराट है विराट कोहली जो बैट लेके घूमता रहता है, ये पूरा पिच लेके घूम रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग आए ऑडियंस में सर, ओ हो हो, कश्मीरा को तो तुरंत पहचान लिया सलमान भाई ने, है ना? इतना प्यार करते हैं? प्यार व्यार कुछ नहीं, 15 साल पहले भी यही टी शर्ट पहन के मिली थी इनको। अरे पूजा बैनर्जी भी आई है, ये तो बचाव की रिहर्सल पे नहीं आती, आज सलमान भाई है तो देखने के लिए आ गई। जरा इधर खड़े हो ना पूजा, दो मिनट, कश्मीरा आप भी खड़े हुई ना प्लीज। वाह सलमान भाई, आपको बताऊं आपने फेयरनेस क्रीम की एड देखी है? बिफोर और आफ्टर मॉडल देखिए। बहुत बढ़िया, माई सेल्फ सुलभ कुमार शौचालय SKS। सर मेरी बहुत प्रॉब्लम, मेरा सॉल्व करो, आप इतने फिट हैं, बहुत मोटा होता जा रहा हूँ, मेरे को कुछ बताइए मैं क्या करूँ। हाँ तो कम खाया करना। अरे वही किया था मैंने, किसी ने 6 महीना पहले बोला कम खाओ, मैंने 6 महीने से कुछ खाया नहीं, धीरे धीरे गैस बनती गई। अभी गैस बनते बनते ये हाल हो गया है, अब तो ये हाल है, मेरी बीबी मुंह में पाइप डाल के ना गैस के बाटले बनाती है, बेचती है। साले जगह गलत बोली है। बकवास नहीं करना मेरे बारे में, अला दरियाई गेंडा। सर मैं दरियाई गेंडा लगता हूँ? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, देखो इधर मुझे, वो ऐसा लगता कोई दफनाया हुआ पेंगुइन है। खैर सुल्तान के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्या प्रोमोज आ रहे हैं सुल्तान के। सलमान भाई ये सुल्तान, सुल्तान जो पिक्चर है ये हरियाणा बेस्ड है,
जी अच्छा आई एम फ्रॉम हैदराबाद एक्चुअली. नहीं नहीं मैं मेरा कहने होता अच्छा हैदराबाद बेस नहीं है. अभी हैदराबाद में लड़की को क्या बोलते हैं? पोटी. पोटी पोटी. अब अच्छा थोड़ी लगता है मेरे को पोटी को किस करना है. वो देखो पोटी जा रही है, मुझे पोटी से शादी करनी है, मुझे पोटी को गले लगाना है ना. कितना बुरा लगे ना जब किसी की शादी हो घूंघट का है नाइस पोटी. खैर तू भी पोटी से कम नहीं है, गोबर का पहाड़ लग रहा है तू, बहुत बढ़िया. ए चुप आ, सलमान खान आए या पोटी वोटी गोबर वोबर की बात नहीं करने का समझे. ठीक है अभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे. ठीक है कम ऑन गिव मी हग. हग दे. सर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप ऐसे कभी 200 किलो आपको ऐसे चढ़ेगा? नहीं ना. नहीं आई होप के कभी नहीं ऐसा हो, ऐसा कभी होगा भी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करवाते हैं हम लोग. चलो सलमान भाई को पिनाओ, लेकर आओ. अरे वाह. फिल्मों में लोग पतले हो जाते हैं, हम लोग टीवी पे मोटे कर देते. कॉमेडी नाइट्स लाइव में पहली बार सलमान खान 200 किलो के, जोरदार तालियां. ए मेरे को भी दे. तेरे को भगवान ने ओरिजिनल बेबी सूट दिया है, तू क्यों टेंशन लेती है. हाय रेडी. चल दरियाई गेंडे. पर वो तू एक हाथ मिलाता था वो वाला. वो तो मेरा स्टाइल है. कैसे? वो तो हमारा कल्चर है, हमारे इधर का. सलमान भाई हम लोग ऐसे मिलते हैं. आ जाइए जरा सलमान सर को दिखाते उधर. हाँ हाय. हमारे इधर जितने पक्के दोस्त हैं सब ऐसे मिलते हैं. हाय हाउ आर यू. मैं चलूं सर. अरे एक बार सर से तो हाथ मिला के जा. अरे जरूर. आइए सर. हाय व्हाट्स अप. व्हाट्स अप. ओह गॉड. चलिए मान लीजिए कि हम तीनों दोस्त हैं और हम एक ही जगह पे मिलते हैं. चलिए आइए सर. हे कैसे हो? हाय की हो. हाउ आर यू. बैठिए सर, अभी आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे मिलेंगे. Oh my God, nothing you dare scamboring, nothing is perfect. Shall we chat? Oh my God, Salman Khan! Oh my God! ये गटर से निकला, आपने हाथ मला लिया. No, साफ है, मैंने सुबह ही साफ किया सच में. इसको सब पता होता किसने दाल मखनी खाई, किसने मटर पुलाव खाया, किसने. अपना मुंह बंद कर एनाकोंडे के लौंडे. तू कहां से? रशिया. ओ रशिया से आया है? नो नो रशिया मंगा इसको बाद में, खुला सांडा अच्छा नहीं लगता. पमेरियन चेक वाले कुत्ते ज्यादा बकवास की ना तो बता दूंगा कि तेरी गर्लफ्रेंड भी गटर में रहती है. मेरी गर्लफ्रेंड गटर में इसलिए रहती है क्योंकि बेबी को बास पसंद है. मुझे आपका गटराना अंदाज बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मुझे पता था. सर मैंने आपकी दीवार देखी है. दीवार में कहां थे वो? नहीं नहीं इनके घर की दीवार देखी. क्या कमाल की पेंटिंग है. बट अंदर घुसने को कभी नहीं मिला मुझे. स्ट्रगलर लोगों को घुसने नहीं देते. बता अच्छा तू नहीं जा पाया आज तक ना.
नहीं नहीं कृष्णा की बात कर रहा हूँ। ओह कृष्णा सर, वो आपसे बहुत काम मांगता है, बहुत अजीब पका हुआ। हेलो साहब कैसे? अरे सर जी आपका पेट बहुत बढ़िया। अरे मैं तो बोलता हूँ सलमान भाइया जोरदार तल। अरे कश्मीरा, अरे वाह क्या बात। सर जी मेरे को काम दे दो, ये कोई चापलूसी नहीं, भूखा मर रहा हूँ साहब। उसके साथ जो होता है बुढ़ऊ वो बोल जाए मतलब हेलो सर जी जिंदगी मेरी इज्जत कमाई है। बचपन मेरा जन्म हो गया था, माँ मेरी लेडीज थी, हम लोग गरीब थे इसलिए पिता एक ही थे। अच्छा एक बेटा, तुमने कभी लाइव शो में सलमान खान का घुटना अपने लिप्स पे खाया ऊपर वाले? नो, तुम्हारी ऐसी मेरी किस्मत का गेंडे। यस कुंग फू पांडा का फेंका हुआ बच्चा है ये। पांडे के फेंके हुए बच्चे। यस सच में सर। ए हाथ ऊपर कर, ऐसा कर, लाफिंग बुद्धा। तो बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहा है उनके साथ। सर मैं वो लगता हूँ? यस ऑफ कोर्स लगता है। इसने खुद को भी लगाया पहली बार। जैसे यू किया था खुद को। क्या खाएगा तू बता, सलमान खान का घुटना या मेरा फ्रेश बूट? फ्रेश बूट बोल क्या खाएगा सर? आज ही खरीदा, आज ही खरीदा सर। ज्यादा बकवास नहीं करना, मुझे पता है कि सलमान खान इंडस्ट्री के इज अ बिगेस्ट सुपरस्टार, बट इनको कोई मामू नहीं बना सकता। बट मैं एक लोग को जानता हूँ जो इनको मामू बनाया है। किसने बनाया सलमान खान को मामू? He's cute baby, इन्होंने मामू बनाया इनको। अरे वाह सर, जोरदार तालियां हो जाए छोटे से बेबी के लिए। एक्चुअली क्या है कि सर मैं आपकी डेट्स बहुत कम मिलती, बट मैंने फिल्म लिखी है, बहुत अच्छी फिल्म लिखी है। करण अर्जुन आपने की थी ना जी, उसमें वो था ना, ओए लाजो मैं बुढ़िया, ये तेरे करण अर्जुन है, इनको मार। बाबा लिंग याऊ बाबा, आ रहे थे घप घप जा रहे थे बाबा। मेरे करण अर्जुन ऐसे नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। जो मैं बना रहा हूँ ना करण अर्जुन पार्ट टू, उसका टाइटल बहुत अच्छा है। क्या टाइटल है? कमरे में जाएंगे तभी करण अर्जुन आएंगे। ये भी मेरे से मेरा फ्रेश बूट खाएंगे तभी इधर से जाएंगे। चल बे। नो, मुझे सर के साथ एक डांस कर रहे हैं गाने पे सर, वुड यू सर प्लीज सर। एक मिनट सर, मैं एक चीज लेकर आता हूँ। Thank you so much. सर आपने ऐसा घसड़ के मेरे ऊपर रख दिया सर। अरे ऐसा नहीं। अरे उसको रखो, फ्रेश है ये। चल भाग गया सर। Okay. चल फुट ले। हमने कभी भी आपको खेलते नहीं देखा, मतलब चिड़िया उड़े को होता है ना वो नहीं, गेम है सर एक। चलिए आपको पहले उसका प्रॉप दिखाते हैं फिर गेम कराते हैं। लेकर आओ भी टेलीफोन बूथ, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया
मैं आपको फोन मिला रहा हूँ सर। हेलो। हाय सलमान सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पहला सवाल, आपकी 1997 में रिलीज हुई दो फिल्मों के नाम बताओ सर। लड़कियां अंगड़ाई ले रही हैं अंदर जाने के लिए। साजन? ना 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 सर, आप सलमान खान हो, हम इतना टाइम दे रहे हैं, वरना को और कोई होते ना अक्षय कुमार वगैरह तो अब तक तो घुस गई होती लड़कियां। दो फिल्में। चलिए सर, मैं आपको इतना स्ट्रेस नहीं दे सकता सर, मैं बताता हूँ। पहली फिल्म थी जुड़वा और दूसरी औजार। दूसरा सवाल है, मैं एक गाने का प्रिल्यूड आपको बजाऊंगा, अब आपको गाना बताना। हाँ जी सर। अरे सर, आप ही का गाना उछल उछल के आप ही नाच रहे थे। हाय सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। धक 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 जागृति, आप हार चुके हैं। आपकी छठी फिल्म थी कुर्बान 1991 में। मेरा एक गाना बजाऊंगा मैं, एक जिसके बीच में से बीप आएगी, आपको बताना वो बीप में क्या लिरिक्स थे। चलिए म्यूजिक। हेलो मैम। मजा आ रहा है सर? वातावरण सही है ना? मैं बैक टू बैक आपके चार गाने बजाऊंगा और आपको ऐसे माइक पकड़ना है और मैं आपकी दोनों बगलों पे अपनी एक एक उंगली रखूंगा और आपको बिना हंसे सही लिरिक्स बोलने। आप तैयार हैं? तैयार। ऐसे पकड़ लीजिए माइक। रखा भी नहीं सर, असल में हिलाऊंगा भी नहीं सर। म्यूजिक। आपको खुद बताया, आप सच्ची बताओ जीते के हारे? जीत गए।
सर आपने बहुत चीटिंग की, आपसे नहीं बोला गया सर। मतलब इन सब के साथ घुसना पड़ेगा अंदर? वो मर रही है। परमिशन चाहिए कुछ चीजें सर आपकी मेरे पास पड़ी है जिनको मैंने फ्रेम करा के रखा हुआ है। क्या मैं सर सब ऑडियंस आई है मैं यहाँ भेज सकता हूँ? वो भेज दीजिए कमिश्नर। आज यहाँ पे वो चीज बिकने वाली है जिसका आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसे मुंह खुल गए सर, आप रेडी हैं? ये वो चीज है जिनके साथ सलमान खान ने काफी वक्त बिताया है। अगर ये नहीं होते तो शायद वो नहीं शूट कर पाते। ये सीरियस बात है भाई, हंसो। ये वो चीज है जिनकी बहुत सख्त जरूरत थी सलमान जी को सुल्तान की शूटिंग के दौरान। इसके बिना सुल्तान बन ही नहीं पाती, सही है ना सर? वो है सलमान खान, यानी कि सुल्तान का लंगोट। इस लंगोट की खास बात है कि ये 35 दिन के शेड्यूल में एक बार भी नहीं धुला। अरे कंटिन्यूटी होती थी ना, कंटिन्यूटी होती, धो दे, छोटा नहीं हो जाता। और खरीदेगा कोई है माइकल लाल जो सलमान खान का लंगोट खरीद सके? इस वक्त इसकी कीमत है 10 लाख रुपए। कोई लेगा 10 लाख रुपया? यस, कृष्णा की बहन आरती। कितना लगाती हो बोलो जल्दी। इसे तुम खाना बनाते वक्त सर पे भी डाल सकती हो, इससे खाने में बाल नहीं गिरेंगे। हाँ जी, कितना? 15 लाख। 15 लाख एक उसको दो माइक। 20 लाख। अबे हाय हाय, 20 का 30 कर दूंगा। चलो 30 लाख में। चल मेरे भाई ये बता, 0 कितने होते हैं? फटाफट बता दे। ये 1 मिनट। वो भाई साहब टीका लगा के आए घर से। 25 लाख एक, 25 लाख दो, 25 लाख तीन। आइए भाई। और साथ में आप लकी निकले, घसा हुआ टावर भी सर आपका। और तालियां। थैंक यू सो मच सर।
आ गया उतार से तन की मधु उम्र का लिहाज करके उठाना था ना नहीं नहीं अरे सुल्तान के लिए जोरदार तालियां सर आपका धन्यवाद कर रहे हैं मेरी बेटी का आपने फ्यूचर बना दिया आपने बजरंगी भाई जान में मेरी बेटी को जो चांस दिया है अब वही मेरी बेटी बहुत बड़ी स्टार बन गई है मैं उसको बुलाना चाहता हूँ सर मुन्नी का बाप है मुन्नी की पिता हुआ जय सर सर आपने जिंदगी मुन्नी बेटी जा भी हाँ पापा के पास जाए आए एक्चुअली आपने मुझे पाकिस्तान छोड़ा था ना उसके बाद अब मैंने खुद की बस सर्विस चालू की सबको छोड़ छोड़ के पैसे कमाती हूँ अच्छा ये बाप बेटी है क्या बात है मुन्नी क्या ग्रोथ की है तूने हाँ लंबी होगी ना मैं लंबी नहीं पैरों के बालों की कह रहा हूँ क्या ग्रोथ की है मुन्नी सलमान सर मैं तू बाहर खड़ी थी ना तेरे पैरों के बालों में से दो तेंदुए निकले थे अच्छा ठीक है सलमान भाई ये मौका है इससे बदला लेने का ये सारी फिल्म में आपके कंधे पर चढ़ी रही ना अब आप इसके कंधे चढ़ जाओ ये बैंड्रा छोड़ कर आएगा आपको नहीं नहीं मेरे को अभी अफगानिस्तान छोड़ेंगे क्यों हाँ मेरे को वीजा नहीं मिला ना पाकिस्तान तो छोड़ दिया बड़ी हो गई अब उठाओ मेरे को वैसे मेरे मामा है मामा नहीं नहीं तेरा कह रहा हूँ तू सिर्फ उनकी वजह से चल रहा है अपने मामा 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 का नाम मत लेना भी क्यों तो फिर सबको जाके माफी मांगनी पड़ेगी मैं बता बहुत लंबा प्रोसेस है ना फिर पेपर में भी बहुत कुछ आता है बोलने का नहीं मामा का नाम आप तो जानते हो ये बैठ के बात कर या खड़ी होकर मुझे भी कभी बैठना हाय पापा बदतमीज अपने बाप को थप्पड़ मारती है और फिर हाथ जोड़ती है हाँ मैंने सुल्तान के प्रोमो में देखा है ना ये पहले ऐसा बहुत जोर से मारते फिर ऐसे बहुत इमोशनली हाथ जोड़ते तो सर आपने एक छोटा सा रोल दे दिया ये स्टार बन गई अब इतनी फिल्में आ रही हैं इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में आ रही मना कर देती है काहे की बढ़िया फिल्में कैसे कैसे प्रोड्यूसर उठा के लाया मालूम है वो कौन सी पिक्चर मेरे को मिल रही थी वो उसका टाइटल था मेरा भाई कलुआ टॉयलेट में खाए हलुआ तो क्या कमी क्या थी उसमें उसकी सीक्वल भी बन रही है क्या दुखी है दद्दू बाथरूम में खाए लड्डू यार ये तो अच्छी बात है अभी मामू बताएं ऐसी फिल्में कोई करता है क्या अरे करते हैं ना वो देखिए कश्मीरा साहब बैठी है ये हाँ, तो उसकी तो वो पिक्चर उसने बहुत ऐसी पिक्चर की है अरे उसने इसकी तो पिक्चर वो कौन सी हिट हुई इसकी पिक्चर की थी इसने गांव में बड़ा सूखा था मुंह देख के थूका था बहुत ऐसी फिल्में की गांव में बहुत सूखा था हाँ ये जो पूजा है ना इसने भी एक पिक्चर की थी मालूम है बस हुई पलटी सुहागरात से पहले उल्टी अच्छा मेरे पापा है ना बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं सलमान भाई उनका हाथ देखो नहीं मैं हाथ तो मैं देख लेता हूँ सर शायद मैं आपका हाथ देख के बचपन की सारी बातें बता दूंगा अरे क्या बात है बताओ बचपन में मैं जलंधर पैदा हुआ था और मेरे डैडी हरबंस लाल थे उनके बचपन की बता अपने क्या बचपन की बता रहा है मैंने कहा बचपन की सारी बातें बताऊंगा उनका मुझे क्या पता तुम्हारा चलो नहीं नहीं मजाक अपनी जगह मैं ज्योतिषी हूँ चलो जयहो में नहीं चला ज्योतिषी यहाँ चलूंगा सर सुल्तान 1000 करोड़ रुपया कमाएगी जोरदार तालियां थैंक यू
थैंक यू। थैंक यू मत बोलो, तीन लोगों की मदद करो आगे। कृष्णा, सुदेश और भारती की मदद। नॉलेज है मुझे। आपको पता है सलमान भाई? तो मैं भी चलती हूँ, ठीक है? नहीं, बहुत हो गया, हम भी चलते हैं। और जाने से पहले वो अपना बजरंगी भाईजान का सीक्वल भी बन रहा है। जी बन रहा है, मुझे जरूर लेना। जरूर, माँ के रोल में। उसका माँ के रोल में, माँ के रोल में। उसका टाइटल होगा अतरंगी भाभी जान। उसका पोस्टर लेकिन अलग होगा ना? इस बार मैं कंधे पे आ जाऊंगा। हाँ सर। भाई आपको लेके चलती हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बदला लेने का टाइम आ रहा, लपक लो सर। हाँ जी। प्लीज ये आप घर में ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, ये प्रोफेशनल स्टंट है। ये स्टंट करने के लिए फौरन से हमने ट्रेनर बुलाए थे, आप प्लीज घर में ट्राई मत कीजिएगा। साड़ी पहन के तो औरतें बिल्कुल भी नहीं, ओके? लेकिन सर हमको बेसब्री से इंतजार है 6 जुलाई का, जब सिनेमा घरों में लगेगी सुल्तान। क्या बात है, क्या बात है भाई, आए हैं देश के राष्ट्रीय भाई सलमान भाई, जोरदार तालियां। सलमान भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह, सल्यूट दे रही है सर आपको। लाइट बहुत तेज आ रही है सामने से। दिख नहीं रहे सलमान भाई। सलमान भाई आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सीरियसली। इट्स लाइक कैसे हैं सलमान भाई? आंटी सलमान खान है, सीधे तरीके से हाय हेलो करो। मैं पहली फिल्म से इनके साथ हूँ। कौन सी फिल्म? मैंने प्यार किया। उसमें तो लोमड़ी थी नहीं, कबूतरी तो थी। वो मैं कबूतरी हूँ, मेरे पंख इसमें छुपा रखे। अच्छा हाँ। कैसे? मैं दिखाती हूँ, ये देखो। आप चने पकड़ो सर। देखो
मेरा खून का रिश्ता है। वो कैसे? वो कैसे कहेंगे, फिल्म आई थी तेरे नाम। हाँ? उसमें ये बेहोश हो गए थे, चोट लगी थी तो खून चला था, वो मेरा था। लेकिन हम कैसे मान ले? अरे वो तुम्हारा ही खून था। फर्स्ट हाफ में ठीक थे, जैसे मेरा खून चला तो पागल हो गए थे, तो मेरा खून चला था, मैं पागल हूँ। आंटी आप बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, प्लीज गेट आउट। अरे 12 हाथियों के सामूहिक गोबर। सर मैं गोबर लगता हूँ हाथी का, और वो भी 12 हाथियों का। बकवास का, ठीक है भाई 12 तक नहीं हूँ मैं, समझे? नन्हे पिशाच, नन्हे डुक्कर, शकल देखी तूने अपनी, ऐसा लगता है आदमी पैंट उतार के बैठा है। बकवास नहीं करना। आप उठे मारेंगे देखना। I could visualize that. चलो चलो। क्या विजुअल किया सर आपने? वही वही जो तू लगता है। नहीं मैं बहुत क्यूट हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत क्यूट हूँ। वो भी क्यूट ही होता है, सुन मेरी बात। मेरा आइटम है वो, मैं चाहती हूँ कि बड़े बड़े स्टार आए हैं, जब भी आए हैं मैंने उनको बोला है कि ये करना होगा, और किसी ने नहीं कि आप करेंगे, प्लीज मेरे साथ गरबा थोड़ा सा कर लीजिए सर। आप थोड़ा अच्छे लगे। कि मैंने यहाँ तक कि फिश भी जो खाती वो सैल्मन होती है। पंच कॉमेडी। मेरे घर पे इतनी सैल्मन फिश है एक्वेरियम में, मैं ऐसे करती हूँ तो देख रही होती हूँ। अखंड बेवकूफी की बात बताऊं? आंटी निकलो यहाँ से। ताई ताई फिश। निकलो आंटी यहाँ से। अरे दिए। वैसे आंटी एक बात है, आप हंसती बड़ा प्यारा हो। सर मेरे साथ ये, सर ये आइटम तो बहुत मस्त है, मेरी तरह हंसना है आपको। सर ट्राई करूँगा। जल्दी कर। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है? चल। एक बार सुल्तान के लिए जोरदार तालियां। मेरा बाय करने का मन नहीं कर रहा यार, कोई गेम होती ना मैं सलमान खान को जीत के घर ले जाता। लेकिन सर पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हुआ 6 जुलाई को सुल्तान देखने। सलमान सर आपको कॉमेडी नाइट्स लाइव में आके कैसा लगा? ये मेरा फर्स्ट टाइम है जी इस वाले में, बहुत अच्छा लगा। आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम। क्या बात है सलमान सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, आपने हमारे शो को 4 चांद नहीं 400 चांद लगा दिए। मूवमेंट ऑफ द डे हो जाए। हाथ मिला लो सर एक बार उससे। What's up bro? How's it going man? Yeah. Oh,
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.